हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ये शिमरी ब्राउन स्मोकी आई लुक विच यू कैन कैरी विद इंडियन वेस्टर्न एनी सॉर्ट ऑफ आउटफिट। वेडिंग सीजन इज फुल ऑन एंड क्रिसमस इज अराउंड द कॉर्नर, तो आप लिटरली ये लुक किसी भी ओकेजन के लिए कैरी कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल येट एलिगेंट और बहुत ईजी है अचीव करना। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपनी ब्राउज से स्टार्ट कर रही हूँ, सो मैं अपनी ब्राउज को फिल करना स्टार्ट करूँगी विद दिस आर्क अराइवल ब्राउ डिफाइनर बाय शुगर कॉस्मेटिक्स। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ उन सभी के डिटेल्स, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे अगर आप चेक करना चाहते हो तो। अदरवाइज़ आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप वही यूज़ करके ये लुक अचीव कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। सो ब्राउज को मैं अच्छे से अपनी नेचुरल शेप में ही फिल कर रही हूँ एंड विद द हेल्प ऑफ अ स्पूली आई विल ब्लेंड एवरीथिंग नाइसली। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एक लिक्विड कंसीलर जो मैं अपने आईलिड पे भी अप्लाई करूँगी और अपने ब्राउज को बॉटम से मैं कार्व आउट कर रही हूँ जिससे काफ़ी नीट लगेगा एंड आई शेडोज के लिए भी एक बेस मिल जाएगा। और अब मैं स्पंज की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। ऑलवेज मेक श्योर टू सेट योर कंसीलर। आई शेडोज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ग्लेज्ड का कलर स्टूडियो पैलेट जिसमें से मैं एक लाइट ब्राउन शेड ले रही हूँ अपनी क्रीज के लिए एंड बेसिकली मैं इसे पूरी आईलिड पे अप्लाई करने वाली हूँ। ऑलवेज रिमेंबर टू टेक लेस प्रोडक्ट बिकॉज हम उसको बाद में बिल्ड कर सकते हैं। एक ही बार में ज़्यादा प्रोडक्ट ले लेंगे तो उसे कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट मैं लूँगी एक थोड़ा डार्कर ब्राउन और एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं उसको अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ एंड आई विल ऑल्सो प्लेस इट डायरेक्टली ऑन टू माई क्रीज। टेक योर टाइम इन ब्लेंडिंग क्योंकि अगर आप अच्छे से ब्लेंड करेंगे तभी आपका आई मेकअप बहुत प्रोफेशनल और क्लीन लगेगा। ऑलवेज स्टार्ट विद लेस प्रोडक्ट एंड स्लोली आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, ज़्यादा कलर ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। नेक्स्ट मैं एक पीची शेड ले रही हूँ एंड मैं बहुत ही हल्के हाथ से इसे डायरेक्टली अपने क्रीज में प्लेस करूँगी टू एड अ लिटिल बिट ऑफ वार्म्थ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एक शिमर डस्ट, ये किसी ब्रांड का नहीं है, आई गॉट इट फ्रॉम अ लोकल स्टोर। और इसे अप्लाई करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक बहुत स्टिफ पैडल ब्रश। इसको मैं लिड के बिल्कुल सेंटर में अप्लाई करूँगी और उसके बाद मैं अपनी फिंगर्स से इसे पूरे आईलिड पे ब्लेंड करूँगी। अगेन सेम रूल, आप थोड़ा प्रोडक्ट पहले लो एंड उसके बाद अगर आपको ज़्यादा नीड है, अगर आपको लग रहा है कि और ऐड करना चाहिए तो आप ग्रेजुअली इसको ऐड कर सकते हो, बिल्डअप कर सकते हो। सो ये वो चंकी ग्लिटर नहीं है, अगर आपको ग्लिटर पसंद नहीं है तो ये शिमर डस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज ये सटल शीन देगा आपकी आईज़ में। नाउ फॉर माई फेस मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का माइक्रो एसेंस। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो जो भी आपको सूट करे। और अब मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ जिसको मैं अपने टी जोन पे ज़्यादा फोकस करूँगी। नाउ आई विल टेक स्विस ब्यूटी का कवर स्टूडियो पैलेट और इसमें से मैं ये पीची करेक्टर लेके अपने अंडर आइज़ पे अप्लाई करूँगी एंड जहाँ भी मेरे फेस पे ज़्यादा डार्कनेस है लाइक अराउंड माय माउथ। द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज करेक्टर्स इज़ कि ये बहुत ज़्यादा बटरी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और इजीली ब्लेंड हो जाते हैं फिंगर से भी। नेक्स्ट मैं अपने फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ फिट मी एंड आई एम इन द शेड 125 न्यूड बेज। अगर आपको फुल कवरेज फाउंडेशन पसंद है, आपके पास फुल कवरेज फाउंडेशन है आप वो यूज़ कर सकते हैं, वरना आपके पास जो भी फाउंडेशन अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। नाउ टू हाईलाइट माय फेस एंड माय अंडर आइज मैं सेम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ बाय स्विस ब्यूटी एंड मैं अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी
एंड अगेन मैं सिर्फ जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहीं पे पाउडर से सेट कर रही हूँ। फॉर द लोअर लैश लाइन मैं वही पीची शेड ले रही हूँ जो हमने ट्रांजिशन में एंड में ऐड किया था, और इसको मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे स्मोक आउट कर लूँगी। नेक्स्ट अप फॉर माई फेस मैं ब्रॉन्जर ले रही हूँ बाय शुगर कॉस्मेटिक्स। नाउ आई एम गोइंग फॉर अ ब्लश, और मुझे ज़्यादा पिंकी ब्लश नहीं चाहिए था, दैट्स वाई मैं बहुत सटल ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट अप आई एम यूजिंग अ हाईलाइटर, और मैं अपने आईज़ के इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूँगी इससे, एंड आई विल ऑल्सो हाईलाइट द हाइएस्ट पॉइंट्स ऑफ माई फेस लाइक चीक बोन्स, नोज, अ लिटल बिट ऑन द क्यूपिड्स बो एंड चिन। अब मैं सेम पैलेट में से एक ब्लैक शेड ले रही हूँ और उसको अपने लैश लाइन के बहुत क्लोज अप्लाई करूँगी। इससे मेरी आईज़ जो ब्लैंक लग रही थी वो नहीं लगेंगी एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड सम डेफिनेशन। नाउ आई विल कर्ल माई आई लैशेज एंड अप्लाई अ जेनरस अमाउंट ऑफ मस्कारा। टॉप एंड बॉटम लैशेज पे मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। नाउ आई विल बी अप्लाइंग अ रेड लिपस्टिक। जो भी आपके पास आपकी फेवरेट रेड लिपस्टिक है आप वो अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमने आईज बहुत ही सटल रखी हैं, दैट्स वाई आई एम गोइंग फॉर अ बोल्ड लिप। नाउ आई विल अप्लाई माई आई लैशेज एंड दिस इज द फाइनल लुक यू गाइज। आई लव द वे इट हैज़ टर्नड आउट। अगर आपको भी ये लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर देना एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, और कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ नहीं लगी। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज मैं बहुत अमेजिंग पिक्चर्स वहाँ पर पोस्ट करने वाली हूँ, सो इन केस यू आर नॉट फॉलोइंग मी देयर यू कैन, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।